Welcome back to Technical Baazi. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे Samsung के बजट फोन सीरीज M सीरीज के बारे में जो कि लॉन्च होने जा रही है 28 जनवरी को। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, इसकी प्राइस रेंज क्या होगी, इसकी खासियत क्या होगी। तो सबसे पहले हम उठाते हैं M10 को, M10 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद M20, M30 पर आएंगे और हम ये भी बताएंगे कि इसमें कुछ खास अंतर क्या है, किस बजट और किस तरह की कैटेगरी के लोगों को कौन सा फोन सूट करेगा। तो आइए देखते हैं M10 के बारे में। M10 की बात करें तो इसमें 6.2 इंच का स्क्रीन होगा, 720x1500 स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा, 278 पिक्सल डेंसिटी होगी और उसी के साथ एक्सीमा 78/72 इसके अंदर रखा गया है। 32 GB के जो इंटरनल होगी उसके साथ 3 GB रैम है और 16 GB इंटरनल मेमोरी के साथ में 2 GB रैम की बात की जा रही है। माइक्रो एसडी आप उसमें लगा सकते हैं, 256 तक उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 कैमरे प्राइमरी होंगे 13 और 5 मेगापिक्सल के, जिसमें डीप सेंसर होगा 5 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 मेगापिक्सल होगा। बैटरी इसकी देखी जाए तो 3400 mAh ली आयन बैटरी होगी। दूसरे सेंसरों के साथ में इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो रेयर माउंटेड पीछे रखा गया है। प्राइस रेंज की बात करें तो 9 से 10 हज़ार के बीच इसकी प्राइस आंकी गई है और एक खास जो विशेष इसका जो नॉच है वो है इन्फिनिटी वी, जो सैमसंग ने खास तौर से अपने लिए डिजाइन किया है। आप दोस्तों आइए देखते हैं M20 के बारे में। M20 में 6.3 इंच का स्क्रीन है जो 1080x2340 रेजोल्यूशन रखा गया है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 409 पिक्सल पर इंच है। सुपर एमोलेड इसका स्क्रीन होगा और एक्सीनोस 7885 ऑक्टा कोर होगा। 32 और 64 GB इंटरनल के वेरियंट में ये होगा। 3 GB रैम के साथ माइक्रो एसडी आप इसके अंदर 512 तक लगा सकते हैं। प्राइमरी कैमरे की बात करें तो 13 और 5 मेगापिक्सल 2 प्राइमरी कैमरा होगा जो डीप सेंसर के साथ लेस होगा। बैटरी अगर और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा होगा। बैटरी 5000 mAh लिपो बैटरी इसमें कही गई है। चार्जिंग इसके अंदर माइक्रो यूएसबी दी हुई है और इसमें NFC सेंसर की बात कही गई है कि ये भी होगा। फिंगरप्रिंट इसका पीछे होगा और उसकी प्राइस रेंज जो रखी गई है 12 से 13 हज़ार तक के दरमियान है। इसमें भी इन्फिनिटी वी डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों ये तो हो गई M20 की बातें, अब आते हैं M30 की तरफ। M30 में खास बात ये है कि Android Pie होगा, यानी Android 9 होगा, ये जो दोनों से आगे हायर होगा। इसका स्क्रीन 6.3 और स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2280 कहा गया है। 395 पिक्सल पर इंच इसकी डेंसिटी होगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो Exynos Samsung का प्रोसेसर 7885 इसमें 2.2 GHz के साथ होगा। इसकी इंटरनल मेमोरी 64 GB होगी जो 4 GB रैम के साथ होगी और माइक्रो एसडी में आप 512 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें ट्रिपल कैमरे की बात कही गई है जो 13 और 5.5 मेगापिक्सल के 3 कैमरे होंगे जो डीप सेंसर के साथ लेस होंगे। प्राइमरी कैमरा इसमें बहुत ही खास होगा जो कि 16 मेगापिक्सल होगा। बैटरी ली पॉलीमर बैटरी होगी, 5000 mAh की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है और चार्जर टाइप सी है जो इन दोनों से हटकर होगा, ये रूमर में ऐसा कहा गया है। FM रेडियो के साथ इसका फिंगरप्रिंट पीछे की तरफ होगा। प्राइस रेंज की अगर बात करें तो 19 से 20 हज़ार के दरमियान इसकी प्राइस होगी और हाँ इसमें भी सैमसंग ने अपना खास इंफिनिटी वी डिस्प्ले लगाया है। तो ये फोन इन दोनों से थोड़ा सा हायर होगा, थोड़ा सा ज्यादा और सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ बहुत ही जबरदस्त फोन। तो दोस्तों आज हमने ये देखा M10, M20 और M30 के बारे में, स्पेसिफिकेशन देखा। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस और इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल बाजी को और तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू, फिर हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। बाय।